हम स्टिल तब भी रेनकोट लेके जा रहे हैं। ये रहे हमारे दादाजी, मतलब दादा बोलते हैं यहाँ पे मुंबई में, भैया पता नहीं गाली समझते भैया। अभी हम जंगल के बीच में चल रहे हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। भैया कहाँ लेके जा रहे हैं, पहले तो बताओ। हमें तो लग रहा है कहीं और लेके जा रहे हैं भैया आप मुझे। मेरा कैमरा डर गया ना, मैं क्या मैं कॉपरेट आ रही है, मैं कॉपरेट अच्छा दो बार वॉमिट कर रहा हूँ तो बॉडी भी, मैं जबरदस्ती चल रहा हूँ यहाँ पे। हेलो गाइस, आप सबका मेरा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सो फाइनली आज हम निकल रहे हैं रिवर्स वाटरफॉल के लिए और हमारी पैकिंग हो चुकी है। ये हमारा छोटा सा बैग और ये रहे रेनकोट। सो हम पूरे रेडी है और ये हमारे थोड़े तबीयत खराब वाले इंसान कार्तिक आर्यन। कार्तिक रेडी हो ट्रैक के लिए, या ट्रैक करना है नहीं करना है, क्या प्लान है? करना है। चलो भाई इनको करना है, अब देखते हैं कर पाएगी नहीं कर पाएगी। अब हम दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पे अंकल और अभिनव है, उनको देखते हैं तैयार हुए नहीं हुए। तैयार हुए नहीं हुए, एक मिनट रुक जाओ यार, थोड़ा वाइडर एंगल कर ले। हो गया तैयार? हाँ क्या बात है, आ गया। कहता है एक मिनट मारो, एक बार और फ़ोन कर लूँगा। चलो आ जाओ। चलो भाई ये भी तैयार हो गया। ये पूछा केबल आया नहीं आया, तो उन्होंने फ़ोन कर दिया, कैसे तो करा था मैंने, क्या एक मिनट मारूँ इसलिए एक बार और कर लेता हूँ कहाँ पे है भाइयों। सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या, आज बारिश नहीं हो रही है। वैसे वेदर फोरकास्ट में दिखा रहा है 12 बजे तक नहीं है, बट हम स्टिल तब भी रेनकोट लेके जा रहे हैं। ये रहे हमारे दादाजी, मतलब दादा बोलते हैं यहाँ पर मुंबई में, भैया पता नहीं गाली समझते। तो ये रही हमारी कार। कैसे हो दादा? हाँ अच्छा, वो डिग्गी खोल दीजिए। आ रहे सामान लग गया भाई, थोड़ा सीन ये। चलो ठीक है चलेगा। ट्रैक तो ज़्यादा लंबा है, हमें लगा 3 घंटे का ट्रैक है, 2-3 किलोमीटर का ट्रैक है वैसे। तो वही रुकोगे आप? हाँ वहीं रुकोगे आप? नहीं नीचे रुको ना, नीचे रुकोगे ना। चलो भाई जल्दी है बुलाओ मैं यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेट हो रहे हैं। वैसे 6 बज गए और हमें निकलना था 5 बजे। चलो आ गए फाइनली, लेट लतीफे आ गए, वो जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। बट उठ तो गए थे 4 बजे, बट पता नहीं कैसे लेट हो गए। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, कुछ खाया नहीं अभी, खाए गए और निकलते हैं फिर। भैया अभी हम जंगलों के बीच में चल रहे हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। भैया कहाँ लेके जा रहे हो मैं, पहले तो बताओ। हमें तो लग रहा है कहीं और लेके जा रहे हो भैया आप मुझे। अभी कितना टाइम का है, रास्ता है 2 घंटे 2.5 घंटे, हाँ 2.5 घंटे का रास्ता है। और ये अनडिस्क्लोज्ड जगह है जो हम बता नहीं सकते, हमें खुद नहीं पता। और ये भाई साहब सो रहे मस्त बिल्कुल। मैं भी सो रहा था भाई दादी, ठीक है मैं अभी उठा हूँ बिल्कुल। उन्होंने जगाया मुझे कि ब्लॉग बना लो, ना तो हो जाएगा, तो उन्होंने बना लिया भाई। और अभी आगे देखते हैं हमें क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है जगह के बारे में, हम कहाँ जा रहे हैं। हमें बस इतना पता है बीच रास्ते में जंगल, साइड साइड में जंगल है और निकल रहे हम आगे। भाई इतनी गहरी नींद रहता है ना, 4 घंटे सो रहा था बस मैं, बस यहाँ से देखते Why do we always start?
मेरा कैमरा इधर गया था देख लो बताओ अब तो शक्लों का भी कॉपीराइट जाएगा यहाँ पे क्या करें भाई। तो भाइयों आज हम चाय पीने के लिए रुके यार ये होटल आर्या नाम का होटल है आप देख ही सकते हैं होटल नहीं है ढाबा है पागल बना रहे हैं। अब चाय पीते हैं भाई पीए तो पीछे बैठ के ना ऐसा तबीयत से खराब हो रही थी मेरी थोड़ा वॉमिट कर रही चाय पीते ये भाई ट्रैक सारे यहाँ पे लिखा हुआ है साइड ट्रैक है ये हटसर फोर्ट का ट्रैक है रतनगढ़ आप देख ही सकते हैं यहाँ पे आते तो थोड़ा पास आके दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाइयों ऊपर हीरा दुर्गा सारे आपको दिए हुए हैं दिखा देता हूँ आपको तो आपके लिए भी ईजी रहेगा कभी मुंबई आते हो अगर ट्रैक करने तो ये कर सकते हो भाई। ये कौन सा है खड़गांव फॉल और कौन क्या है यहाँ पे तो ये है सारे बस ट्रैक यहाँ पे। देखो भाइयों कितना प्यारा लग रहा है यार ये बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में पूरा देखो भाई मतलब मजा आ गया कुछ भी कहो इतना प्यारा लग रहा है। अभी हम तो चल रहे हैं अभी दो घंटा और लगेगा पहुँचने में अभी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है थोड़ा वॉमिट जैसा फील हो रहा है बट ठीक है चलते हैं आगे। यार झरने सामने ये देखो साइड में हाँ ये देखो भाई साहब ये मैंने आप वीडियो में देखा करता था। हाँ अभी देखो एक सामने आएगा बिल्कुल कार के ऊपर ही भी गिरेगा बिल्कुल ये वही वाला घाट है हाँ वही क्या क्या कौन सा घाट है मार्शेज है ये भाई ऊपर से आ रहा है पूरा पानी और ये देख सकते हो भाई कसम एक गाड़ी धुल गई नेचुरल गाड़ी धुली है यार। आ तो गए हम यहाँ पे ऊपर हमें वहाँ पे जाना है सामने आप देख सकते हो और प्रॉब्लम ये है कि मैं ना दो बार वॉमिट कर चुका हूँ मेरे अंदर जान बिल्कुल भी नहीं है अभी आप बोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं सही से अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा चल लूँ मैं थोड़ा सा थोड़ा बेटर लगे क्योंकि यार मैं कार में बैठा रहूँगा ना मन तो नहीं कर रहा जाने का बट कार में बैठा रहना वापस जाएगा तो और तबीयत ख़राब हो जाएगी और वॉमिट होगी तो बेटर है चलने से हो जाए ये हो जाएगा कि यार थोड़ा डाइस हो जाएगा चीज़ जो भी है वापस नहीं होगी वो चीज़ पहले मैं दवाई ले लूँ फिर उसके बाद ऊपर पैदल चल के जाऊँगा और वापस आऊँगा जान तो नहीं है मन तो नहीं है बट आपके लिए कर रहा हूँ और अपने लिए भी कर रहा हूँ। अभी हम जा रहे हैं नीचे तो ये है नानीघाट फोर्ट तो यहाँ पे क्या होता था जो भी मराठास रहते थे ना तो वॉर से पहले तो यहाँ छुपा करते थे प्लस गुफा है यहाँ पे आगे तो वहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी मराठाओं की तो ये वो जगह है और जो रिवर्स फॉल वाटरफॉल है उस वो दूसरी जगह है उसके लिए हमें पीछे की तरफ जाना पड़ेगा और वो जाएगा बाद में पहले ये होके आते हैं देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। और गाइस सॉरी अगर मेरी वॉइस बहुत एनर्जी डाउन है वो बिकॉज ऑफ दो बार वॉमिट कर चुका हूँ तो बॉडी भी मैं जबरदस्ती चल रहा हूँ यहाँ पे ना मन नहीं है बिल्कुल चलने का बट चलना पड़ रहा है और आगे आपको दिखाते रहेंगे यहाँ पे क्या क्या है। तो गाइस ये है वो गुफा जहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी मराठाओं की जैसे मैं आपको बता रहा था ये वो गुफा है थोड़ा आगे चलते हम देखते क्या हम देख सकते हैं इस पर और आगे कुछ है नहीं तो मेनली तो यही है तो यहाँ पे देखते क्या है कैसी गुफा है तो देखा जाए ये देखिए आप ये है देखने के लिए और लिखा भी हुआ है कुछ तो ओम ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है और आप पढ़ोगे तो ध्यान से और गुफा छोटी है मतलब ठीक है मतलब छुपने के लिए सबसे बेस्ट जगह होती है सीक्रेट मीटिंग्स होती है पूरी। चलो खुला हुआ है दरवाज़ा तो दरवाज़ा भी देख सकते हैं फाइनली ये है पूरी आपको 0.6 में दिखाते हैं पूरी गुफा है ये और यहाँ देखो मराठा में कुछ लिखा हुआ है अगर जो मराठी है
वो पढ़ सकता है यहाँ पे ये क्या क्या लिखा हुआ है। आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मुझे लैंग्वेज नहीं पता है। तो ये आप देख सकते हो, प्लस यहाँ पे कोई ये भी लिखा हुआ है ओम, जो भी लिखा हुआ है आई डोंट नो क्या क्या लिखा हुआ है, ते स्था धी साहे थियो यो। अच्छा ये तो श्लोक है, तो मेनली जो लिखा हुआ था वो था जो हमने वहाँ देखा भी, और यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हो आप। तो मीटिंग जब होती है तो दीवारों पे ही लिखा जाता है, तो वहीं से आ सब चीज़ बताते हैं ताकि याद भी रहे। मराठी हिंदी, तो जो बाबा है उनको मराठी आती है, हिंदी नहीं आती, तो हम मराठी नहीं समझ सकते है। और भाई ये अच्छी है, वो भाई चुपने के लिए सबसे बेस्ट जगह, मतलब मीटिंग में सबसे बेस्ट जगह है सीक्रेट मीटिंग्स। तो बाबा बता रहे हैं कि ये ना सारे देवताओं के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो अभी उन्होंने बताया है, थोड़ा बहुत हिंदी बता पा रहे हैं। उधर से उसके पुत्र हुआ अनि पुत्र सात करनी रानी नागिन काशा, और आप समझ पा रहे हैं उनकी लैंग्वेज, तो आई डोंट नो कुछ ऐसा कुछ चलाया करते थे। मुगल का राजूट हो गया ना, वो सब तोड़ दिया, किले का वार तोड़ दिया, वो देवता का वार तोड़ दिया, वो पुत्र भी तोड़ दिया, वो छत्रपति महाराज काम छत्रपति शाहजी राजा आदिल शाह का सरदार था, वो आदिल शाह निजाम शाह कुतुब शाह मुगल के उधर तेरे शाहजी राजे इधर हुआ माहौली माहौली किले माहौली किले आने उनका सासरे लोगों लोग उसका पाटला कर दिया। वो जिंदाबाद गुरुदुर हुआ ना तो वो नानी घाटी के ऊपर चढ़ी गई और सूर्य को सूर्य का जन्म हो। अच्छा सूर्य अग्नि नाला सुखारा वो से नानी उगेला अग्नि वो जगह जगह राजन है ऊपर, वो राजन जो है मटका दगड़ी मटका वो दगड़ी मटका में डाल दिया उसे पता क्या आप तुम मराठी आते हैं तुमको मैं मराठी में सब माइटी देते लोग। तो होपफुली आप समझ पाए होगे, जो भी मराठी है वो बता पाए कमेंट में क्या बोल रहे हैं। हाँ मैं तो नहीं समझ पाया ठीक है बहुत चीज़ें, बट कुछ कुछ चीज़ समझ पाया हिंदी में उन्होंने बोला वो मैंने आपको बताया, और मतलब जितना मुझे समझ आया कोई यहाँ पे रहता तो यहाँ पे अटैक हुआ था बिकॉज ऑफ चीज़ें पता चल गई थी लोगों को जब दुश्मन थे, तो और मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, इतना ही मैं बता सकता हूँ हिस्ट्री के मतलब जितना मैं अभी जानता हूँ। एक और गुफा दिखाते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी, तो यहाँ का भी आप देख सकते हो ये बिल्कुल पहाड़ है और ये काटा हुआ है, पता नहीं नेचुरल है या बनाया गया ये नहीं पता, बट आप देख सकते हो। थोड़ा आगे चलते हैं, अगर देखा जाए तो इससे भी आगे और है जाने के लिए, बट है ना फिसलन है यहाँ पे ज़्यादा, तो देखते चलो ट्राई करते हैं। हाँ यहाँ से जा सकते हैं दूसरी गुफा के लिए, मतलब यहाँ से भी जाना पड़ेगा, फिसल जाओ वहाँ जूते क्योंकि वैसे है, तो इस तरफ गुफा है। तो यहाँ पे क्या हुआ था बताया भी बाबा ने, तो ओके तेरी फिसल गया था मैं, तो बेसिकली यहाँ पे मुग़ल आ गए थे, तो मुग़लों ने ढूंढ लिया था तो सब तोड़ा सबको पकड़ा, ए आजा भाई साहब डरा रहा था, चलो भाई आगे चलते हैं। आप हॉपफुली आपको थोड़ा पता चला होगा यहाँ के बारे में, जो मराठा मीटिंग करा करते थे उनको पकड़ा किसने, मुग़लों ने, जब मुग़ल ने अटैक किया था इंडिया में तो कुछ टाइम बाद इस ये जगह पे ढूंढ लेती थी यहाँ पे रहने लगे थे मुग़ल। चलो भाई चलते आगे, ठीक है मराठा से जो लड़ रहे थे, तो अपने सुनी हुई कहानियाँ मराठा की यहाँ से ढूंढ लिया था उनको। चलो भाइयों अब आगे चलते हैं रिवर्स वाटरफॉल के लिए। भाइयों अब हम चल दिए हैं रिवर्स वाटरफॉल के लिए, अभी भाई ट्रैक करना है। भाई देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है यार, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, और ऊपर आ गए बादल, तो हम चाह रहे हैं कि धूप ना आए, अभी धूप आ रही है हमारे ऊपर, तो एक तो वैसे ताकत नहीं आपको पता है, वॉमिट करिए दो बार मैंने, फिर से बता रहा हूँ तो ताकत वैसे ही नहीं है, और धूप ऊपर से अभी जैसे ही फॉग आ जाएगा तो भाई थोड़ी शांति मिलेगी और चलने से ना थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा यार मैं उसमें बैठूँ कार में वापस जाके। और भाई ये इतना प्यारा लग रहा है यार, देखो यार
बहुत ही प्यार लग रहा है। और अभी हम रास्ता पूछे कि सही जा रहे हैं जा रहे हैं, तीनों आ रहे हैं, मतलब तीन सॉरी दो आ रहे हैं, एक अंकल आ रहे हैं हमारे साथ। और वो सामने देखो भाई छोटे छोटे पहाड़ हैं यहाँ पे, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं।